प्लीज अपना डालो, कीप योर टेक्स्ट बुक्स विद यू, बिकॉज मेरे पास ना आज क्वेश्चंस नहीं है, मैं टेक्स्ट बुक से देखने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, फुल अटेंशन एवरीबॉडी, एवरीबॉडी यहाँ देखो, सब लोग टेक्स्ट बुक रहने दो बट अभी ध्यान यहाँ दो। ओके, क्या बोल रहा है? 250 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस कंटेंट इन अ कॉपर वेसल ऑफ मास 50 ग्राम। तो सर वो बच्चों, वाला नहीं, फाइंड हाँ मेरे बुक में तो वही है। द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 10 ग्राम्स ऑफ आइस एट अच्छा, तो -10 डिग्री। मेरे बुक में वो अनसॉल्व का सिक्स वो क्वेश्चन है, मेरे बुक में वो सिक्स क्वेश्चन है आंसर। ठीक है, चलो। फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। सो 10 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 10 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज 2.1। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस is 336 and specific heat capacity of water is 4.2। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, क्या हुआ? हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है, प्लीज ध्यान देना। ओके, एक है 10 ग्राम वाटर, सो मास ऑफ वाटर इज 10 ग्राम और इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। इसमें मैं ऐड कर रहा हूं आइस, मास ऑफ आइस इज ऑल्सो 10 ग्राम, इसमें ऐड किया, इसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। जब मिक्स करोगे, बोल रहा है फाइंड द रिजल्ट। यस, फाइंड द रिजल्ट मतलब क्या होने वाला है? फाइंड द रिजल्ट, बुक कहाँ रखना है? ओके, वन सेकंड। बोल रहा है फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग सो एंड सो एंड सो, है ना, एंड क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, एवरीथिंग 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 यू हैव टू। चलो, क्या करें? एनीबॉडी, किसको आया, किसको किसको ये क्वेश्चन आया, किसने किसने ये सॉल्व किया, किसको किसको सॉल्व करते आया? एनीबॉडी एनीबॉडी एनीबॉडी, यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना बच्चों, ध्यान दो अच्छे से एवरीबॉडी। ठीक है, अब मुझे बताओ मैं इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, ध्यान दो, किसी को आया नहीं बट पूछा नहीं किसी ने, चलो कोई बात नहीं। 10 ग्राम ऑफ वाटर है एट 10 डिग्री सेल्सियस। वाटर की कहानी ले लो, वाटर की कहानी क्या है? 10 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, उसको मुझे 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है। 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको मुझे लेकर जाना है, तो उसको कुछ तो हीट रिलीज करनी पड़ेगी। हाँ, तो कितनी हीट रिलीज करेगा? क्यू रिलीज, टेम्परेचर कम करना है ना उसका, तो कितना हीट रिलीज करेगा? एम सी डेल्टा टी, वेरी गुड। मास कितना है? 10 ग्राम। सी कितना है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? 4.2। और बच्चों चेंज इन टेम्परेचर है 10। क्या सबको इतना समझ में आया? एवरीबॉडी, सो ये हो जाएगा 420 जूल्स। इतना एनर्जी उसको लगने वाला है, इतना एनर्जी उसको लगने वाला है 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के लिए। बच्चों देखो सीन क्या है ना, मुझे पता नहीं कि क्या टेम्परेचर 1 डिग्री होने वाला है, 2 डिग्री होने वाला है, कितना डिग्री टेम्परेचर होने वाला है, या 0 डिग्री पे ही टेम्परेचर आके रुक जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता। हमने बोला मान लो कि अगर इसको 0 डिग्री पर लेकर के जाना है तो मुझे 420 जूल्स ऑफ एनर्जी लगेगा, वेरी गुड। अब ध्यान देना, ये एनर्जी रिलीज करेगा आइस, वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, वेरी गुड। आइस की कहानी, आइस की कहानी, ठीक है, पूरे आइस की कहानी, हाँ पूरे पूरे आइस की कहानी, प्योर नहीं है वो, यस, फुल आइस, जितना आइस है उतने आइस की कहानी। ओके, आइस को मुझे -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस लेके जाना है। ओके, पूरे आइस को मुझे 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके। अच्छा चलो, एक काम कर, एक काम कर, आइस की कहानी देखो, इतनी हीट ये रिलीज करेगा, आइस उतनी हीट एब्सॉर्ब कर लेगा। यस, आइस विल एब्सॉर्ब दिस हीट, आइस विल एब्सॉर्ब एब्सॉर्ब दिस हीट, वेरी गुड। और इतनी हीट एब्जॉर्ब करके कितना आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होने वाला है ना? बच्चों देखो, आइस ये हीट एब्जॉर्ब करेगा,
एवरीबडी. और इस हीट से दो चीजें होने वाली, एक तो आइस का टेम्परेचर चेंज होगा, आइस का माइनस 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, तो उसको कितना हीट लगने वाला है. लेट्स सी कि आइस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे लेकर जाने में कितना हीट लगता है. तो Q absorb इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. बहुत अच्छा बच्चों, m कितना है मास, मास ऑफ आइस कितना है 10 ग्राम. यस, c कितना है आइस का 2.1, तो बच्चों 2.1 इनटू चेंज इन टेम्परेचर 10, तो 210 जूल ऑफ हीट, 210 जूल ऑफ हीट इसमें मुझे लग गया. वेरी, तो इसने कितना सप्लाई किया, वाटर ने सप्लाई किया 420, उसमें से 210 यूज किया आइस ने क्या करने के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के लिए. अभी आइस की कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो आइस का टेम्परेचर 0 पे आया है, अब आइस मेल्ट होगा, अब आइस मेल्ट होगा. कितना एनर्जी बचा है, वाटर ने इतना सप्लाई किया, कितना एनर्जी बचा है बोलो, 210 और बचा. Q इज इक्वल टू ml, बोलो कितना है 210 और बाकी है. मास को मैं m लिखता हूं अभी के लिए, अभी के लिए मैं m लिख रहा हूं. और लेटेंट हीट ऑफ आइस है बच्चों 336, तो मास कितना हो जाएगा बोलो, 210 डिवाइडेड बाय 336. Can anyone please help me out with this calculation? ये हो जाएगा 370 और 3112, है ना? ये हो जाएगा बच्चों 35 by 56, which is going to be how much? 7 से जा रहा है ना? 7 5 7 5 by 8. 0.4 gram. 0.4 gram. ये बात है. 0.625 ग्राम्स का आइस मेल्ट हो जाएगा. देखो मेरे पास कितना आइस है, मेरे पास है टोटल 10 ग्राम का आइस. प्लीज ध्यान दो, 10 ग्राम्स आइस है मेरे पास, 10 ग्राम्स आइस कितनी हीट अब्सॉर्ब करेगा, 210 ग्राम्स हीट अब्सॉर्ब करेगा, 210 जूल्स हीट अब्सॉर्ब करेगा, और 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. यस, और आइस भी कितना है, 10 ग्राम आइस है मेरे पास, आइस भी 10 ग्राम है, लेकिन अब हीट कितनी अवेलेबल है बच्चों, हीट अवेलेबल है मेरे पास 210 जूल्स. और ये 210 जूल्स सिर्फ 0.625 ग्राम्स को मेल्ट कर सकती है, बाकी आइस एज इट इज रहेगा. और बच्चों मेरा फाइनल टेम्परेचर बताओ कितना रहेगा, मेरा फाइनल टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री जीरो. और मेरे पास क्या क्या बचेगा, 10 ग्राम में से 0.625 ग्राम आइस विल मेल्ट एंड रिमेनिंग विल रिमेन एज सॉलिड, रेस्ट विल रिमेन. बोलो समझ में आया. तो व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट ये होगा कि 0.625 ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा. क्या सब बच्चों को समझ में आ रहा है, क्या चल रहा है एवरीबॉडी, उसमें बाकी बच्चे. यस सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यस सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. समझो क्या हो रहा है, वंस अगेन ध्यान दो क्या हो रहा है. आइस हीट अब्सॉर्ब करेगा, वेरी गुड, और पहले 0 डिग्री पे पहुंचेगा. तो बच्चों 0 डिग्री पे पहुंचने के लिए कितनी हीट चाहिए, 210 जूल्स की हीट चाहिए. ये हीट कहां से मिलेगी, इस वाटर से मिलेगी, वेरी गुड. तो वाटर है, वाटर ने टोटल हीट 0 पे पहुंचने के लिए 420 जूल हीट रिलीज किया, उसमें से 210 से ये 0 पे आया आइस. यस, बचा और 210, तो आइस वो भी अब्सॉर्ब करेगा और पहुंच जाएगा, मेल्ट होएगा, थोड़ा आइस मेल्ट होगा. कितना आइस मेल्ट होगा, 0.625 ग्राम आइस मेल्ट होगा, बाकी का रह जाएगा. तो बोल रहा है व्हाट विल बी द रिजल्ट. यस, तो फाइनल टेम्परेचर मेरा 0. क्यों 0, क्योंकि अभी भी आइस बाकी है ना, थोड़ा आइस थोड़ा वाटर, तो ऑब्वियसली 0 रहेगा.
Yes, तो ऐसा कुछ सिचुएशन फाइनल बचेगा. सो दिस शुड बी माय फाइनल आंसर. क्या सबको समझा? वेरी डिफरेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और लेकिन स्टार्टिंग में पता कैसे चलेगा कि फाइनल टेम्परेचर जीरो? वाओ ग्रेट, स्टार्टिंग में पता ही नहीं चला मुझे, इसीलिए तो मैंने अलग अलग से सॉल्व किया. देखो मैक्सिमम क्या पॉसिबल था, ये हीट रिलीज करने वाला है, तो मैंने अज्यूम किया कि चलो इतना जीरो पे पहुंचा है, मान लो जीरो पे पहुंचा. यस, देखो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कभी तो करेंगे, या तो बुक में होगा या आगे चल के आएगा, कि ये 420 जूल हीट रिलीज कर रहा है. और पता है यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा बेटा? यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 420 से भी ज्यादा. यस, या बहुत छोटा वैल्यू आएगा. ध्रुवांश ध्यान से समझो, यहाँ पे वैल्यू आएगा 10 जूल, यहाँ पे वैल्यू आएगा 10 जूल. ओके, मुझे नहीं पता 10 जूल अगर यहाँ पे वैल्यू आ गया तो यहाँ पे यस, और यहाँ पे मान लो वैल्यू आया 400, तो 400 प्लस 10 कितना होगा? 410 जूल हो गया. राइट, 10 जूल अभी भी बाकी है, मतलब 0 डिग्री पे टेम्परेचर नहीं हो सकता, 0 से ज्यादा होगा, क्योंकि इसने तो मतलब ये 0 पे नहीं पहुंचा है. ध्रुवांश समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. Let's see, देखते हैं, एक दो questions करते हैं, अगर ऐसा कुछ मिल गया तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना? So this was one question. और कोई doubt है? सर, उसमें statement कैसे लिखने का? ये मैंने जो लिखा वो final temperature will be zero and this much ice will melt and the remaining will remain as ice. 0.6 gram ice बचेगा. उन्होंने बोला what is the final result? तो भैया final result मेरे पास दो है. Final result मेरे पास बाय वॉटर, और बच्चों हीट गेन कौन करेगा? बाय आइस प्लस वॉटर. पता नहीं ना मुझे, मुझे बच्चों पता ही नहीं है कि पहले जीरो से ज्यादा होगा या क्या. अभी तो मैं बोल देता हूँ आइस भी गेन करेगा एंड फाइनल टेम्परेचर टी. फाइनल टेम्परेचर मैं अज्यूम करता हूँ टी है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है ना. और ये हो जाएगा बच्चों वाटर. यस, बहुत अच्छा. बताओ कितना हीट लूज करेगा? एम सी डेल्टा टी. आइस, आइस कितना हीट गेन करेगा पहले जीरो पे जाने के लिए? एम सी डेल्टा टी. मान लो जीरो है, मान लो अभी के लिए जीरो पे पहुंचा और उसके बाद यस, मुझे नहीं पता ना जीरो पे एम यस ये सॉरी ये जीरो पे पहुंचा, उसके बाद बच्चों एम एल मेल्ट होने का, ये है -10 डिग्री से जीरो पे जाने का हीट, ये है मेल्ट होने का हीट, प्लस एम सी डेल्टा टी, ये है जीरो से टी डिग्री पे जाने का हीट. अब मैं करूंगा बच्चों इसको सॉल्व. अगर ये दोनों इक्वल आते हैं इसका मतलब मेरा इक्वेशन करेक्ट है, टी डिग्री पे वो जाएगा. यस, और अगर नहीं तो नहीं जाएगा. अच्छा डोंट वरी, चलो लेट्स सॉल्व दिस. लेट्स सॉल्व दिस. बोलो 10 ग्राम है ना लॉस्ट बाय वॉटर, बोलो कितना लॉस करेगा? 4.2 इंटू डेल्टा टी. बच्चों डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी बताओ. 10-0. डेल्टा टी हो जाएगा, बोलो 10 माइनस टी. मुझे नहीं पता ना, फाइनल टेम्परेचर टी बोला है मैंने, फाइनल टेम्परेचर मैंने टी बोला है. बहुत अच्छे, आ जाओ ये क्या होने वाला है. देखो बच्चों ये कहां से कहां तक जाएगा? जीरो तक, है ना. तो ये हो जाएगा 10 ग्राम इंटू 2.1 इंटू 10. एकदम सही है. यस, अब सीन ये है कि एक्चुअली मुझे पता ही नहीं है कि क्या पूरा के पूरा आइस मेल्ट होगा या नहीं होगा. राइट, तो अब मैं एम की वैल्यू यहाँ पे डाल सकता हूँ क्या? कुछ नहीं डाल सकता मैं एम की वैल्यू यहाँ डाल नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पूरा के पूरा आइस मेल्ट होने वाला है क्या. यस, लेट अस अज्यूम, होगा ही नहीं, ये सॉल्व ही नहीं कर पाओगे आप. राइट, तो यहाँ पे आकर के आप फंस जाओगे कि अब क्या करें, अब क्या करें. राइट, तो अब क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं कर पाओगे इसके आगे साथ, लेकिन फिर भी कर सकता हूं मैं सॉल्व, बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको समझने में थोड़ा. अगेन सॉल्व दिस, अगर ये समझा होगा तो छोड़ दूंगा मैं उसको,
यस, क्या पिछला सवाल समझा पक्का? यस, तो मुझे चेक करना पड़ेगा, आई नीड टू चेक कि भैया यहाँ कितना रिलीज हुआ है, देन आई नीड टू चेक कि वाटर को कितनी जरूरत थी, 210 की जरूरत थी, राइट? मैं अज्यूम करता हूँ कि पूरा जीरो पे तो आ गया ना, जीरो पे तो पूरा आया, देखो जीरो पे पूरा आया, ठीक है, जीरो पे पूरा आया, लेकिन मेल्ट कितना हुआ मैं नहीं जानता, राइट? तो यहाँ ml लिखने वक्त m की वैल्यू आई डोंट नो, आई लिटरली डोंट नो, यस, तो इसमें ऐसे ही रख के आगे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करोगे? इसको ml रहने देना, ठीक है, इसको ml रहने देना, प्लस इसको सेपरेटली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यस, अज्यूमिंग दैट कि 10 ग्राम आइस पूरा के पूरा अगर होता है तो छोड़ दो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके, ना? छोड़ दो इसको, है ना? तो ऐसे कर सकते हैं, इसके आगे भी दो चार स्टेप्स कर सकते हैं, बट जरूर, यस, सो डोंट डू दिस, ऐसे चेक करो कि यार क्या होगा, क्योंकि पता नहीं है हमको, तो हमको थोड़ा चेक करना होगा, ठीक है, थोड़ा ट्रायल एंड एरर कर, ठीक है। चलो अगला सवाल कौन सा क्वेश्चन बच्चो आज के बाद? डाउट्स नहीं ले रहा हूं मैं, आज ही लूंगा सिर्फ। That's it, done? Sir. 12. तो मेरे बुक में क्वेश्चन रीड करो सामने। Oh yes sir. So 12 बोल रहा है 2 kg of ice melts when water at 100. Okay. आपके बुक से ये 12 है। आपके बुक से ये 12 था, आपके बुक से ये वाला 8 था। Okay. मेरे बुक से ये है भैया 9. Okay. 2 kg ice melts when water at 100 degree Celsius is poured in a hole drilled in the ice block. Okay. बच्चों ये ना मेरे पास एक आइस है बहुत बड़ा, ठीक है, इसमें ना हमने एक होल बना दिया यहाँ पे और इसके अंदर हॉट वाटर डाल दिया 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से इस होल के अंदर थोड़ा होल ड्रिल किया और डाल दिया, यस, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू पता नहीं, यस, 2 केजी आइस मेल्ट्स व्हेन 100 डिग्री सेल्सियस इज पोर्ड इन इट, आइस इज, मास ऑफ आइस इज 2 केजी एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट मास ऑफ वाटर इज यूज्ड, यही तो पूछा है आपको, कितना मास ऑफ वाटर लगेगा अगर ये आइस मेल्ट हो गया, आइस जस्ट सिर्फ मेल्ट हुआ है बच्चों, सिर्फ मेल्ट हुआ है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, सी ऑफ वाटर इज 4200, है ना, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस, सी ऑफ आइस इज 336 × 10^3, ये तो बहुत सिंपल है ना, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, है ना, वेरी गुड, हीट लॉस कौन करेगा, वाटर, 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 और गेन कौन करेगा, आइस, है ना, हाउ मच इज द हीट लॉस्ट बाय वाटर, एम सी डेल्टा टी, हाउ मच इज द हीट गेन बाय आइस, एम एल, ये मास ऑफ वाटर, ये मास ऑफ आइस, चलो पूरा के पूरा आइस मेल्ट हो गया, बच्चों क्वेश्चन देखो, 2 केजी आइस मेल्ट्स व्हेन 100 डिग्री सेल्सियस वाटर इज पोर्ड इन अ होल ड्रिल्ड इन ब्लॉक ऑफ आइस, व्हाट मास ऑफ आइस इज, व्हाट मास ऑफ वाटर इज, अच्छा आइस सिर्फ मेल्ट हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है बच्चों, राइट, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फाइनल टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेल्सियस होगा, हाँ, क्योंकि आइस सिर्फ मेल्ट हुआ है, अगर मेल्ट होके और टेम्परेचर बढ़ जाता तो वो फाइनल टेम्परेचर देते आपको, है ना, और पूरा के पूरा आइस मेल्ट हुआ है, बोला है 2 केजी आइस मेल्ट, राइट, तो पूरा के पूरा आइस मेल्ट हुआ है ना, तो बताओ इसका एम सी डेल्टा टी, एम नहीं पता मुझे, सी कितना है 4200 एंड चेंज इन टेम्परेचर इज 100, मास ऑफ आइस आई डोंट नो इनटू लेटेंट हीट इज 336 × 10^3, सो बच्चों यहां से मास ऑफ आइस, नहीं मास ऑफ आइस पता है ना, 2, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 × 336 × 1000 डिवाइडेड बाय 4200 × 100, ये गया, ये गया, क्या आ रहा है देखो, तो ये जीरो से ये जीरो गया, है ना, और ये यहां पर मुझे मिलेगा
जो भी आंसर आएगा उतना केजी, दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। 1 पॉइंट उसका आएगा, देख लेना जो भी आएगा, है ना। यहाँ पर आंसर है 1.6, 1.6 kg। तो कितना आइस और कितना वाटर लगता है उसको मेल्ट करने के लिए, सिर्फ मेल्ट हुआ है वो, टेम्परेचर नहीं बढ़ा उसको। क्या सबको समझ में आया? एवरीबॉडी गाइस कम ऑन। यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं बचे हुए सॉल्व एग्जांपल्स ले लूं क्या? यस यस सर। सर सर मैं मेरा कैमरा बंद रख रहा हूँ क्योंकि आपकी आवाज मेरे लिए बहुत बुरी हो रही है। अच्छा ओके। और कट रहे हो पूरा सर। सैटरडे की रिकॉर्डिंग लेने का बाव? कल आ जाओ। ठीक है सर। टाइम? मैसेज में आई थी। यस सर। अ वेसल ऑफ नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी कंटेन्स 5 केजी वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। एक वेसल है ना, नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी, यस, कंटेन्स 5 केजी वाटर। बच्चों नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी मतलब वो हीट नहीं अब्सॉर्ब कर, यस, वो हीट अब्सॉर्ब नहीं करे, उसकी कैपेसिटी नहीं है हीट अब्सॉर्ब। ठीक है, तो कंटेन्स 5 केजी वाटर, मास ऑफ वाटर इज 5 केजी। बच्चों एट 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है 50 डिग्री। 5 केजी आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मास ऑफ आइस is 5 kg is added to it, isme add kiya, bol raha hai find the heat energy imparted by water in fall of its temperature from 50 to 0. heat energy imparted by water, water ki heat energy kitni hai, imparted matlab heat energy given by water, water isme heat transfer karega, yes, kitni heat energy imparted by water, lost by water is mc delta t। मास कितना है 5 kg, c कितना है वाटर का बच्चों 4200, चेंज इन टेंपरेचर है 50 माइनस 0, फॉल इन टेंपरेचर फ्रॉम 50 टू 0, सिंपल, तो ये हो जाएगा 5 250 × 4200 जूल्स। यस, तो 1 2 3 0, 25 2 50 05, 25 4 105, 105, ऐसा उसका आंसर आना चाहिए जो। चलो क्या सब बच्चों को समझ में आया? इतना सवाल समझ गया क्या सबको? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? यस सर। छोटा मोटा कुछ भी? पक्का पक्का। तो दिस मच ऑफ एनर्जी इज इंपार्टेड बाय द वॉटर। आगे बोल रहे हैं मास ऑफ आइस मेल्टेड। भैया इससे कितना आइस मेल्ट होगा, इससे कितना आइस मेल्ट होगा? सो मेल्टिंग ऑफ आइस देखो तो जरा, मेल्टिंग ऑफ आइस कैसे है, कितना आइस मेल्ट होगा इससे? क्यू इज इक्वल टू एम एल। आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ मेल्ट होगा, ओके। कितना एनर्जी है 105000 इज इक्वल टू कितना मेल्ट होगा मुझे नहीं पता, इनटू लेटेंट हीट उसका 336 किलो जूल। तो मैं लिखूंगा 000। यस, मास इज इक्वल टू 105000 अपॉन 336000। 1 2 3 1 2 3, है ना? क्या बच्चों ये 300 300 300 3 जा रहे क्या? 3 केजी, इज इट 3 केजी? देखो तो, यस, 3 पॉइंट, नॉट एग्जैक्टली 3, एग्जैक्ट 3 नहीं आने वाला है। यस, 1050 अपॉन 336, यस, 3 केजी अप्रोक्सीमेटली। यार आंसर ठीक है, फाइनल कैलकुलेशन का टेंशन मत लो आप लोग, अप्रोक्सीमेटली 3 केजी, 3 पॉइंट कुछ तो आएगा, 3 पॉइंट कुछ तो केजी, इतना ही आइस मेल्ट होगा। बच्चों देखो अभी अभी आपने उसमें इतने जो सवाल पूछा मुझे, क्या ये उसी तरह का क्वेश्चन है? यस। देखो ये 50 से 0 पे चला गया, कितनी हीट रिलीज की उसने, इतनी हीट रिलीज की, उतने हीट में तो सिर्फ 3 केजी आइस मेल्ट हुआ है। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बच्चों ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस,
क्योंकि सारा आइस तो मेल्ट ही नहीं हुआ ना, तो फाइनल टेम्परेचर तो जीरो ही रहने वाला है। बोलो समझ में आया? यस। मास यस ऑफ सर। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन द मिक्सचर, इन द मिक्सचर, बच्चों ये पूरा के पूरा 5 kg मास ऑफ वाटर प्लस यहां से 3 kg मेल्ट हो गया, तो +3 kg, तो टोटल 8 kg वाटर है मेरे पास मिक्सचर में, है ना, और बचा हुआ आइस है। क्या सब बच्चों को समझ में आया ये चीज? कम ऑन गाइस एवरीबॉडी, यस सर। दिस इज द रिजल्ट। उसमें ध्रुवांश क्लियर है क्या? सुहानी, हाय सुहानी। यस सर। यस सर। चल यस सर। ना, तो देखो ये सॉल्व एग्जांपल लेता तो शायद वो आपको आ जाता, कोई दिक्कत ना। सो आइस मेल्ट कर रहे इतनी हीट यूज करके, राइट? तो उससे सिर्फ इतना 3 अप्रोक्सीमेटली आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है, 3 kg मेल्ट हुआ। व्हाट इज द मास ऑफ वाटर इन द टोटल मिक्सचर? तो बच्चा ये 5 kg पूरा के पूरा जो वाटर है वो, वेरी गुड, प्लस यहाँ से 3 kg जो मेल्ट हो गया वो, ऐसे 8 point something kg विल बी योर आंसर। आ जाओ आखिरी सवाल, नहीं दो क्वेश्चंस बाकी, नो प्रॉब्लम। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 400 ग्राम ऑफ कॉपर चिप्स एट 500 डिग्री सेल्सियस विथ 500 ग्राम ऑफ क्रश्ड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस? ध्यान दो, यहाँ पे क्रश्ड आइस है, आइस है, आइस आइस आइस। मास ऑफ आइस इज जस्ट 0.5 kg, सब कुछ जो ग्राम में दिया है तो हम ग्राम में रखते हैं, 500 ग्राम। और यहां से मैं कॉपर है, ये कॉपर इसमें मिक्स कर रहा हूं, 400 ग्राम मास ऑफ कॉपर, इसका टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस। आपको बोल रहा है व्हाट विल बी द रिजल्ट। अब मुझे पता नहीं फाइनल टेम्परेचर क्या होने वाला है। देखो क्या क्या ऑप्शन है बच्चों, ये समझो। पहला, ये पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा, वाटर बन जाएगा, और वो वाटर का भी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कुछ भी हो सकता है। Yes or no? Very। या दूसरा ऑप्शन है कि आइस जस्ट मेल्ट हो गया, पूरा के पूरा आइस मेल्ट हो गया और रुक गया। तीसरा ऑप्शन है बच्चों कि ये मिलके पूरे आइस को भी नहीं मेल्ट कर पाया, पूरे आइस को मेल्ट भी नहीं कर पाया। क्या सबको समझ रहा है मैं क्या बकवास कर रहा हूं? ऑप्शन नंबर वन, क्या क्या हो सकता है बच्चों? यस, पूरा आइस मेल्ट होके, मेल्ट होके उसका टेम्परेचर और भी बढ़ गया, और भी बढ़ गया, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर टू, पूरा आइस मेल्ट होके 0 डिग्री सेल्सियस पे बैठा है। और ऑप्शन नंबर थ्री है बच्चों, ये चीज पूरे आइस को मेल्ट भी नहीं कर पाया, है ना, पूरा आइस मेल्ट भी नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। बोलो समझ में आया बच्चों? प्लीज रिप्लाई करो यार, है ना, बहुत बोर हो गया, बहुत बोर कर रहे, यस सर। यस सर। है ना, परफेक्ट। तो अब हमको चेक करना पड़ेगा, पहले देखते हैं कि भैया इसने कितनी हीट सप्लाई की, ये कितनी हीट सप्लाई करेगा, या हम देखते हैं कि इस आइस को मेल्ट होने में कितनी हीट लगेगी। यस, देखो ऑप्शन वन, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस, आइस को सिर्फ मेल्ट करने में, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसको मेल्ट करना है, तो कितनी हीट लगने वाली है? आ जाओ, उसको मेल्ट करने के लिए हीट लगेगी बच्चों ML। यस, तो कितनी हीट होती है ये? 500 ग्राम्स इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 340, तो ये कितना हो जाएगा? 0 0 0, 5 4 20 2 क्या है, 5 3 15 17, इतना जूल्स हीट लगेगा पूरे आइस को मेल्ट करने के लिए, पूरे के पूरे आइस को मेल्ट करने के लिए बच्चों इतना हीट लगने वाला है। यस एवरीबॉडी, ओके। अब मैं ये देखूंगा कि ये कितनी हीट सप्लाई कर सकता है। यस, इसको क्या किया हमने? जस्ट मेल्ट किया, जस्ट मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, और मान लेते कि ये भी जीरो पे पहुंचा, अगर
अगर ये भी जीरो पे पहुंचता तो कितनी हीट सप्लाई करता? यस, अगर कॉपर 0 डिग्री सेल्सियस पे आता तो कितनी हीट सप्लाई करता? लेट्स फाइंड आउट. वी डोंट नो बच्चों, वी डोंट नो, अभी पता नहीं बोल रहा व्हाट इज द रिजल्ट, है ना? यस, ग्रेट. अच्छा, तो कितनी हीट सप्लाई करता? एम सी डेल्टा टी. बोलो एम कितना है उसका? 400 ग्राम्स. सी कितना है उसका? 0.42 इनटू चेंज इन टेम्परेचर. अगर वो जीरो पे आता तो कितनी हीट सप्लाई करता? यस, चेंज इन टेम्परेचर इज 500. तो बच्चा लोग ये हो जाएगा 4 2 4 5 20, 1 2 3 4, है ना? 42 into 2, बोलो कितना होता है? 84. यस, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, और यहाँ पे डॉट, 84000 जूल. इतनी एनर्जी वो सिर्फ सप्लाई कर सकता है. ये है Q1, ये है Q2. अब मुझे बताओ, क्या इतनी हीट से पूरा आइस मेल्ट हो सकता है क्या? नहीं. हो सकता है क्या? नहीं. आपकी बच्चे नहीं हो सकता. अरे ये तो, ये ज्यादा से ज्यादा जीरो तक आ सकता है ना, उसके नीचे तो कॉपर नहीं जा सकता है ना. वो जो हीट सप्लाई करेगा वो आइस को मेल्ट करता रहेगा. वेरी गुड, है ना? सो कंप्लीट आइस cannot be melted by this heat, this energy, this much amount of energy. अब बोलो कितना आइस मेल्ट हो पाएगा? तो बच्चों इस हीट से Q = ML से 84000 = M × L की वैल्यू बताओ, 340. Yes, M = 84000/340. जो भी आंसर आएगा बच्चों, इतना आइस सिर्फ मेल्ट हो पाएगा. Yes, and how much this ice is? अभी कैलकुलेट कर लेना, है ना? जितना भी आएगा बच्चों, 8400/34, इतना ग्राम्स आइस मेल्ट हो सकता है. What will be the result? अभी के लिए मैं आंसर देखूं क्या बुक में? 247. बच्चों 247 grams. तो 500 ग्राम में से 247 ग्राम्स आइस मेल्ट हो जाएगा, बाकी मेल्ट नहीं होगा. तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? तो बच्चों रिजल्ट विल बी फाइनल टेम्परेचर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस एंड 247 ग्राम्स आइस इज मेल्टेड. बोलो समझ में आया सबको? यस सर. तो यस सर. ध्रुवांश अब क्लियर हुआ क्या? हाँ सर. ठीक है ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अच्छा ये कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं, उस हीट से क्या आइस मेल्ट भी हो पाएगा, वो चेक करना पड़ेगा, है ना? तो चेक किया हमने. तनया समझ में आ रहा है? वरदा मृदुला. यस मयूर. हाय मयूर, व्हाट्स अप? ऑल वेल सर. लॉकडाउन लगने के पहले मयूर ने हेयर कट कर लिया. मयूर फ्रीज हो गया. यस टेल मी सुमन सर. तो ऐसे टाइप के सम्स में जहाँ पे फाइनल टेम्परेचर पता नहीं होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस ही अज्यूम करके रखना है हमें? नहीं बच्चा, मैं अज्यूम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ. देखो ना, तीन चीजें पॉसिबल है, करेक्ट? तीन चीजें पॉसिबल थी. मुझे पता नहीं, हमने बोला चलो मान लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केस क्या हो सकता है, ये जीरो तक पहुंचा, तो जीरो तक पहुंचने में वो मैक्सिमम कितनी हीट दे सकता है, कितनी हीट दे सकता है, है ना भैया? ये तो इतनी अब्सॉर्ब कर सकता है, राइट? तो पहले चेक करो कि ये मैक्सिमम कितनी हीट सप्लाई कर सकता है. मैक्सिमम इतनी, मैक्सिमम कब करेगा? जब जीरो पे पहुंचेगा. हाँ कि नहीं? बोलो, सही बात है. तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा ना, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ, तब आपको ऐसे कुछ चेक करना पड़ेगा. व्हाट इज द रिजल्ट? मुझे नहीं पता, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. बोलो समझ में आया क्या बच्चों? पक्का पक्का? Yes,
आपको देखना पड़ेगा ये मैक्सिमम कितनी हीट दे सकता है, तो उसको लेके आओ जीरो पे, इतनी मैक्सिमम दे सकता है। इसको सिर्फ मेल्ट होने के लिए इतनी चाहिए, तो ये हीट तो वो ऐसे खा जाएगा और उससे सिर्फ 247 ग्राम्स मेल्ट हो जाएगा, बाकी नहीं है। चलो आखिरी सवाल, और एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 150 वॉट्स is immersed in 0.5 kg of ice and 0 degree Celsius in a lag container of negligible heat capacity. तो container की heat capacity ignore करना है, ठीक है? अब मेरे पास क्या है? मेरे पास है बच्चों एक container जिसमें है 0.75 kg ice. इसमें है mass of ice 0.75 kg. बहुत अच्छा। इसमें है मास ऑफ आइस 0.75 एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 0। इसमें मैं एक हीटर डाल देता हूं बच्चों, एक इलेक्ट्रिक हीटर मैंने इसमें डाल दिया। यस, इलेक्ट्रिक हीटर, प्लीज ध्यान दो। यस, 150 वॉट, तो बच्चों इसका पावर है 150 वॉट। द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर 27.5 मिनट्स and then rises to 40 degree Celsius. शुरू में 27.5 minutes तक temperature constant रहता है। आपको सवाल पूछ रहा है, explain why does the temperature remain constant? Come on बच्चों, why does the temperature remain constant? Yes. Also, that much energy is required to melt the ice, तो उतने time में temperature changes. The energy is used to melt the ice without rise in temperature. Without rise in temperature, latent heat. भैया पहले ये melt होगा ना पूरा के पूरा? Yes. तो 27.5 minutes लगता है उसको melt होने के लिए. 27.5 minutes लगता है उसको melt होने के लिए. ठीक है? Very good. फिर पूरा के पूरा मेल्ट हो जाएगा और उसके बाद जब पूरा मेल्ट होगा तो टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, 40 तक जाएगा। सो एक्सप्लेन व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ये आंसर है उसका। कैलकुलेट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस। ए, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ बच्चों क्यू इज इक्वल टू एम एल, है ना? कितना हीट सप्लाई कर रहा होगा वो 27 मिनट्स में। यस यस, पावर इज इक्वल टू क्यू बाय टी, टी इज पावर इज इक्वल टू क्यू बाय टी, क्यू इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। बहुत अच्छा, तो मैं लिखता हूं पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एम एल। बोलो पावर कितना है? 150 वॉट्स। बोलो टाइम कितना लगता है? 27.5 इंटू 60 सेकेंड्स। यस, इज इक्वल टू मास ऑफ आइस कितना है? 0.75 into latent heat of ice, into latent heat of ice. ये calculate करना है आपको। So latent heat of ice is 150 into 27.5 into 60 whole divided by 75 into 10 raised to minus 2. 0.75 को इधर divide करना है ना? तो बच्चों ये हो जाएगा 1 2, है ना? तो ये हो गया 120 into 27.5 into 10 square. इसका आंसर, yes, देखो kg है, तो 336,000 के आसपास आना चाहिए, as नहीं आसपास, के आसपास आएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ उसको, आप सॉल्व। Yes? और अगर नहीं आता इसके आसपास, मतलब आपने कुछ तो बहुत बड़ा झोल किया। ओके, आना ही चाहिए, क्योंकि वही होती है ना यार हीट कैपेसिटी, तो याद कर ली होगी आपने अब तक। यस, 336 जूल पर ग्राम और 336,000 जूल पर केजी, है ना? तो इसके आसपास आंसर आना चाहिए, बस आप इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर बोल रहा है फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, है ना? एंड देन इट राइजेस टू 40 डिग्री सेल्सियस इन फर्दर 14 मिनट्स।
सारा प्रोसेस आगे रिपीट करो बच्चों, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, क्यू इज इक्वल टू पावर इन टू टाइम एम सी डेल्टा टी, पावर कितनी है 150, कितने टाइम में 14 मिनट्स में, यस मास कितना है 0.75, सी आपको फाइंड करना है, बोलो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ 40, 40 से चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, तो सी इज इक्वल टू 150 इंटू 14 अपॉन 0.75 इंटू 40, इसका आंसर बच्चो यस 4200 के आसपास आना चाहिए, के आसपास आएगा, नहीं आया तो समझ लेना कुछ तो गलत किया है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो अब तक आपने रख ली होगी 4200 जूल पर केजी या 4.2 जूल पर ग्राम इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। क्या सब बच्चों को समझ में आया? एवरीबॉडी यस सर यस यस। सो दैट वाज द लास्ट मेमोरी। 5 points, 5 give reasons, natural consequences of high, yes, latent heat of fusion of ice. अब concept समझ लो पहले, सारे answers same concepts होंगे। What is specific latent heat of ice? बच्चों 336 जूल्स पर ग्राम, जूल्स पर ग्राम, या फिर ये होता है 336000 जूल पर केजी। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है, यस 336000 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg ice at 0 degree Celsius. 1 kg ice को अगर आपको melt करना है ना, तो इतना सारा energy लगेगा। This is very high. बहुत energy चाहिए होता है भैया 1 kg ice को melt करने के लिए। या 1 gram के लिए इतना 336 joule is needed to melt 1 gram ice. This is also very high. अरे 1 gram इतना सा ice है, इतना सा, उसको melt करने के लिए 336 joules चाहिए, तो बहुत energy है ना? So the latent heat of fusion of ice is very high. और इस वजह से बहुत सारी चीजें होती है हमारे अराउंड। पहला पॉइंट देखो, स्नो ऑन माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट एट ऑल। गिव रीजन नंबर वन। देखो यार, ये माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन के ऊपर है ढेर सारा स्नो, प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ देखो बहुत सारा स्नो, ठीक है, और यहाँ पर है सन, ये सूरज चाचू हमारे, ये क्या कर रहे हैं ना, देखो इस आइस को, ये आइस पूरा एक साथ मेल्ट नहीं हो सकता, यस, क्योंकि 1 kg के लिए 336000 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है, विच इज ह्यूज। तो सबसे पहले ये जो टॉप मोस्ट लेयर है ना आइस का, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो मेल्ट होके पानी बनेगा, फिर धीरे धीरे उसके नीचे का लेयर एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो पानी बनेगा। पूरा के पूरा आइस अगर एक साथ मेल्ट करना है, यस, तो बच्चों ये जितना केजी आइस होगा ना, जितना केजी आइस होगा माउंटेन के ऊपर, इतना केजी होगा, सोचो, इनटू दैट केजी इनटू दिस, इतना हीट एक साथ देना पड़ेगा, तब जाकर के वो सारा के सारा मेल्ट होगा। लेकिन इतना हीट हम एक साथ दे नहीं सकते, यू कैनॉट सप्लाई सो मच ऑफ हीट। तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा, हर गिव रीजन में ये पॉइंट तो लिखना है, द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस इज वेरी हाई, दैट इज यस 336000 केजी पर जूल, है ना, यस, सो मच एनर्जी, दिस मच एनर्जी इज नॉट अवेलेबल एक्साम। 1 kg को मेल्ट करने के लिए इतना सारा लगता है, तो बहुत सारे को मेल्ट करने के लिए और ज्यादा लगेगा,
दिस मच एनर्जी इज नॉट अवेलेबल एट वंस एंड हेंस पूरा के पूरा आइस एक साथ में नहीं होगा. सिंपल एज दैट. है ना, देखो द रीजन इज दैट आइस हैज हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. बुक से देखो, बुक से देखो सब लोग, बुक से देखो सब लोग. द रीजन इज दैट आइस हैज हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इट इज ड्यू टू दिस फैक्ट दैट इट चेंजेस इनटू वाटर स्लोली एज इट गेट्स हीट एनर्जी फ्रॉम सन. इफ लेटेंट हीट वुड हैव बीन लो देन ऑल द स्नो वुड हैव बीन मेल्टेड. और अगर सारा स्नो मेल्ट हो जाता तो भैया हम लोग जिंदा नहीं रह पाते. लड़ाता ना, यस, पूरा पानी से भर जाता है इधर उधर, है ना. सो सारा एक साथ मेल्ट नहीं होता बिकॉज बहुत हीट चाहिए होती है, इतनी अवेलेबल नहीं. सेकेंड, इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स डज नॉट फ्रीज ऑल एट वंस. ये देखो बच्चों, ये है लेक, प्लीज ध्यान दो, ये लेक है. यस, ये लेक है. इस वाटर को मान लो यहाँ पे टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का भी 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा पहले, फिर यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, है ना बच्चों. अब ये वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है. अब अगर इसको आइस में कन्वर्ट होना है, यस, तो बच्चों 1 kg वाटर को आइस में कन्वर्ट होने के लिए 33600 जूल एनर्जी बाहर रिलीज करनी पड़ेगी. हाँ कि नहीं? अरे एनर्जी जब रिलीज करेगा तभी तो आइस में कन्वर्ट होगा, है ना. यहाँ पे एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेगा. यस, इतनी सारी एनर्जी रिलीज करने के बाद 1 kg आइस कन्वर्ट होता है, 1 kg आइस कन्वर्ट हो, 1 kg वाटर कन्वर्ट होता है आइस में. यस, अब इतनी सारी हीट लिबरेट करनी पड़ेगी. यस, ये हीट सबसे पहले एटमॉस्फेयर हीट किसके पास से लेगा बताओ, जो उसके कांटेक्ट में है. तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो हीट रिलीज करेगा, टॉप लेयर हीट रिलीज करेगा और आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे ही वो आइस में कन्वर्ट होगा, नीचे वाला हीट रिलीज नहीं कर पाएगा. आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो हीट को ट्रैप कर देगा, उधर ही रोक देगा. तो पूरा के पूरा वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता. जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर पहले उससे हीट ले लेगा, तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा टॉप लेयर. आप वहां से आंसर पढ़ो. आंसर बोलता है द रीजन इज दैट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज हाई. हर जगह ये रीजन लिखना ही लिखना. फिर द वॉटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स विल हैव टू लिबरेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट. देखो, रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट. द लेयर ऑफ आइस फॉर्म ओवर द सर्फेस बीइंग पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. मैंने बोला ना, आइस इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. आइस इज पुअर कंडक्टर. लिखना कीवर्ड्स है सारे, जिस जिस वर्ड को मैं इंफेसाइज करूं वो कीवर्ड्स है. हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट, टॉप लेयर हो जाएगा, इसको हीट रिलीज करना पड़ेगा, एंड आइस इज अ पुअर कंडक्टर. पुअर कंडक्टर होने की वजह से अंदर से हीट बाहर और नहीं जा सकती, तो सारा के सारा आइस, सारा के सारा वाटर आइस नहीं बनेगा. सिंपल बोलो, समझ में आ रहा है क्या बच्चों को? यस आर्यन, यस श्रेया, यस वैष्णवी, क्लियर है बच्चों? थर्ड पॉइंट, ड्रिंक्स कूल गेट कूल मोर क्विकली बाय एडिंग पीसेस ऑफ आइस देन बाय आइस कोल्ड वाटर. देखो यार कितना सिंपल है ना, मजेदार है. देखो यहाँ पर है आपके पास कोल्ड ड्रिंक. कौन सी पसंद है आपको? जो भी पसंद है भैया, कोका कोला तू, है ना, छोला छोला तू. ओके, तो ये है मेरे पास कोका कोला तू. ओके, और यहां पर है मेरे पास कोका कोला, अगेन सेम ड्रिंक. अब दोनों का टेम्परेचर सेम है, मुझे उसको ठंडा करना है. यस, थोड़ा गर्म हो गया, ठंडा करना है. तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसमें आइस डाल दूं एट 0 डिग्री सेल्सियस, या तो मैं इसमें वाटर डाल दूं, वाटर वो भी एट 0 डिग्री सेल्सियस. देखो यार, ये भी जीरो पे है, ये भी जीरो पे है. कौन कोल्ड ड्रिंक को ज्यादा ठंडा करेगा और क्यों? कमन बच्चों, व्हाई?
why and who, anybody? अच्छा हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम आइस डालते हैं, हाँ कि नहीं? Obviously, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा ठंडा है. Reason, high specific latent heat. बच्चों इसकी latent heat of ice is 336 joules per gram. एक ग्राम पानी से yes, वो इतनी हीट एब्सॉर्ब कर सकता है. एक ग्राम कोल्ड ड्रिंक से वो इतनी हीट, या 1 ग्राम आइस मेल्ट होने के लिए, 1 ग्राम आइस मेल्ट होने के लिए यहां से ढेर सारी हीट एब्सॉर्ब करेगा वो, राइट? और मेल्ट होगा, टेम्परेचर चेंज होगा क्या उसका? नहीं. लेकिन यहां पर जैसे ही ये वाटर हीट एब्सॉर्ब करेगा, इसका टेम्परेचर खुद बढ़ने लगेगा, हाँ कि नहीं? टेम्परेचर ऑफ वाटर विल स्टार्ट राइजिंग, यस, ऑन एब्सॉर्बिंग हीट. लेकिन भैया ये तो हीट एब्सॉर्ब करके सिर्फ मेल्ट हो रहा है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. तो क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ये जल्दी जल्दी ठंडा करेगा. इधर तो वाटर खुद ही अपना टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है हीट अब्सॉर्ब करके. बोलो समझ में आई बात? यस, ओके. अब जल्दी से वहां से गिव रीजन पढ़ो. दिस इज बिकॉज 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेक्स दिस मच एनर्जी फ्रॉम द ड्रिंक एंड इट विल मेल्ट टू वाटर. Thus, the drink liberates an additional 336 joule of heat energy to 1 gram ice at 0 degree Celsius than 1 gram water at 0 degree Celsius. है ना? यहाँ पे बहुत सारा heat release हो रहा है. देखो यहाँ पे 0 degree Celsius water है, ये कुछ तो heat absorb करेगा. हाँ, यहाँ पर अगर water होता तो वो भी उतनी तो absorb करता ही करता. लेकिन यहाँ पे ice है, वो 336 extra absorb कर रहा है, तो वो जल्दी ठंडा करेगा ना? पहले तो ये मेल्ट होगा. मेल्ट होने के बाद बच्चों देखो, इसका जो प्रोसेस अभी शुरू हो गया, इसका प्रोसेस वो थोड़ी देर के बाद शुरू होगा, है ना? तो ये एडिशनल 336 जूल पर ग्राम अब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है? इसलिए ये जल्दी में ठंडा करेगा. ध्रुवांश वैष्णवी, समझ में आया? यस बच्चों, एवरीबॉडी क्लियर है? पक्का? Yes, sir. Third division question जो आपको पूछेगा. उसके बाद आ जाओ. When ice is frozen, when ice in frozen lake starts melting, its surrounding becomes very cold. Wow. देखो, ये है मेरा लेक और बच्चों ये है मेरा फ्रोजन लेक. तो फ्रोजन लेक है तो ऊपर सब आइस है, ऊपर बहुत सारा आइस है. अब ये मेल्ट होने वाला है, तो मेल्ट होगा तो ये इसके सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब करेगा, हाँ कि नहीं, सराउंडिंग से हीट ले लेगा. कितनी? बहुत सारी. 1 ग्राम आइस विल एब्सॉर्ब, बच्चों 1 ग्राम आइस विल एब्सॉर्ब 336 जूल्स ऑफ हीट. सराउंडिंग से अगर उसने हीट एब्सॉर्ब कर ली तो सराउंडिंग ऑब्वियसली ठंडा हो जाएगा, है ना? अरे सराउंडिंग की हीट ले ली उसने तो सराउंडिंग ठंडा हो गया, सीधी बात है. तो जब आइस मेल्ट होना चालू होता है तो सराउंडिंग बहुत ठंडा होता है. सो ठंड का मौसम आता है. बोलो समझ में आई बात? इफ इट विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग्स विल बिकम कोल्ड ऑब्वियसली. बोलो क्लियर हुआ? पक्का 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 पक्का. एवरीबॉडी सॉर्टेड? यस सर. यस सर. ग्रेट. और आखिरी गिव रीजन बच्चों. It is generally more cold after a hailstorm than during or before hailstorm. देखो, hailstorm हो रहा है, गारपीट, hailstorm हो रहा है. अभी hailstorm हो रहा है तो इतनी ठंडी नहीं लगती. hailstorm जब होके रुक गया फिर ठंड लगती है. तो भैया यहाँ पे ओले ओले गिरे हैं, हाँ कि नहीं? जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले. Yes, ये है ओले, ओले गिरे हुए हैं. अब ये ओले मेल्ट होने वाले हैं, yes, तो ये सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब करेंगे. जब गिर रहा है तब कुछ नहीं, जब नीचे गिर जाएगा फिर उसके बाद वो सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब कर लेगा. और कितनी करेगा? 1 ग्राम ओले विल अब्सॉर्ब 336 जूल्स ऑफ हीट, है ना? 1 ग्राम ऑफ हेलस्टॉर्म्स विल अब्सॉर्ब 336 जूल ऑफ हीट. तो बहुत हीट एटमॉस्फेयर से वो ले लेगा और मेल्ट हो जाएगा और एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाएगा.
अगर किसी चीज से हीट निकाल ली जाए तो वो ठंडा हो जाए, अगर किसी चीज से हीट निकाल ली जाए तो वो ठंडा हो जाए, सिंपल एज दैट। क्या पांचों विभिन्न समझ में आए? और ये एज इट इज एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई दिक्कत बच्चों बताओ? एवरीबडी क्लियर? ऑल फाइव? यस सर, यस सर, यस सर, परफेक्ट, थैंक यू, ग्रेट। अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? अब मैं पढ़ाने वाला हूँ कुछ पार्ट ए से। चलो पार्ट ए में आ जाओ और पार्ट ए के गिव रीजंस से। पेज नंबर 266 फ्रॉम माय बुक, आपके बुक में मुझे नहीं पता। टॉपिक है नेचुरल फिनोमेनन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट। अब अगर किसी बच्चे ने इधर का आंसर उधर, उधर का इधर लिखा तो मैं बहुत पटका लगाऊंगा, है ना? हाई स्पेसिफिक हीट, बच्चों स्पेसिफिक हीट से टेम्परेचर चेंज होता है, हाँ कि नहीं? और जो लेटेंट हीट था, लेटेंट हीट से सिर्फ फेज चेंज होता है, फेज चेंज। तो क्या ये सारे एप्लीकेशंस फेज चेंज के थे? हाँ, आइस का मेल्टिंग वाटर का आइस बनना। तो उसके लिए गिव रीजन रहता था हाई लेटेंट हीट कैपेसिटी, हाई लेटेंट हीट कैपेसिटी। अब कुछ और है, अब टेम्परेचर चेंज वाले एप्लीकेशन आएंगे, है ना? टेम्परेचर चेंज वाले देखो तो गिव रीजन नंबर वन, बुक में बोल रहा है द क्लाइमेट नियर सी शोर इज मॉडरेट। इसको छोड़ दो फिलहाल, दो मिनट के लिए छोड़ो, पहले बाकी करते हैं फिर आप। चल, हॉट वाटर बॉटल्स आर यूज्ड फॉर फोमेंटेशन। फोमेंटेशन पता है क्या होता है? यस बच्चों, व्हाट इज फोमेंटेशन? यस, अरे कुछ दर्द होता है तो वो गर्म पानी की बैग में पानी भर के लगाते हैं ना बॉडी को, यस दैट इज फोमेंटेशन। मान लो कुछ लगा है, कुछ दर्द हो रहा है, तो एक कैन आता है रबर का, उसमें गरम गरम पानी भर के सेकते हैं ऐसे। अरे पता है कि नहीं पता बच्चों? यस सर, दैट इज कॉल्ड एज फोमेंटेशन। यस, तो उसमें हॉट वाटर कैन ही क्यों यूज होता है? हॉट वाटर कैन या हॉट वाटर बैग क्यों यूज होता है? हॉट वाटर बैग ही क्यों यूज होता है? वो इसलिए बच्चों कि, अच्छा पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाई स्पेसिफिक हीट मतलब क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी केल्विन, या इट इज 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन। इसका मतलब क्या है? मतलब है टू रेज द टेम्परेचर, रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, या टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज 4200 जूल। या तो एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बाकी नहीं, एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और रिलीज करेगा तो टेम्परेचर घटेगा, ना बच्चों? ये बहुत होती है एनर्जी, दिस एनर्जी इज ह्यूज, बहुत एनर्जी है वो। इतना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तब जाके टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ेगा, यस, है ना? तो इसको मैं बोलता हूं बहुत हीट एब्जॉर्ब करने पे टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ेगा। और बच्चों, और बहुत हीट रिलीज करने पे टेम्परेचर 1 डिग्री से घटेगा,
अरे ऐसे हिंदी में लिखता हूँ तो समझ में आता है ना अच्छे से, मुझे नहीं पता, मुझे तो आता है, तो मुझे लगा आपको भी आता है तो मैं समझा रहा हूँ, क्लियर है। तो जब बहुत सारा हीट अब्सॉर्ब करेगा तब जाके टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ेगा, है ना, और जब बहुत सारा हीट रिलीज करेगा तब टेम्परेचर 1 डिग्री से घटेगा, है ना। वेरी गुड, अब आ जाओ गिव रीजन नंबर 2, फर्मेंटेशन। हॉट वाटर बैग, हॉट वाटर बैग, देखो इसमें आपने गरम गरम पानी भर दिया, मान लो 80 डिग्री सेल्सियस पे आपने पानी गैस पे गरम किया और भर दिया उसके अंदर। अब जब ये वाटर 4200 जूल हीट रिलीज करेगा तब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से घटेगा। 4200 रिलीज करने को बहुत टाइम लगता है ना, तो बहुत टाइम तक वो 80 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। 5 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर होगा 79 डिग्री सेल्सियस, फिर और 5 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर होगा 78 डिग्री सेल्सियस। धीरे धीरे है ना टेम्परेचर कम होगा, तो बैग विल रिमेन हॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बैग विल रिमेन हॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। व्हाई? बिकॉज 4200 जूल एनर्जी इज रिलीज्ड, देन टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, रीजन क्या लिखोगे, वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू 4200 जूल पर केजी केल्विन, सो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट व्हेन रिलीज्ड द टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, हेंस द बैग रिमेन्स हॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बोलो समझ में आया सब बच्चों को, एवरीबॉडी? यस सर। दूसरा कोई लिक्विड अगर होता, मान लो बच्चों दूसरा लिक्विड है जिसका हीट कैपेसिटी है 200 जूल पर केजी केल्विन, है ना, तो 200 जूल रिलीज किया, कटाकट 200 जूल फटाफट हो जाएगा रिलीज, फटाफट तो कटाकट उसका टेम्परेचर गिरना चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं चाहिए मुझे, आई वॉन्ट द बैग टू बी हॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अब बस यही रीजन रहेगा सबका। आगे देखो, वॉटर इज यूज एज एन इफेक्टिव कूलेंट। वाओ, कार है, कार यह है, कार यह है हमारी कार, बहुत दिन बाद बनाई मैंने कार, ये गर्म होती है, हाँ कि नहीं, एकदम हॉट हो जाती है, यस। तो इसके अंदर हम एक कूलेंट यूज करते हैं, सो वाटर कैन बी यूज एज अ कूलेंट। कूलेंट कैसा होना चाहिए, बहुत सारी हीट अब्सॉर्ब कर रहा है गाड़ी से लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है उसका पता, है ना, तो वाटर विल एब्सॉर्ब लॉट ऑफ हीट, वाटर विल एब्सॉर्ब लॉट ऑफ हीट विदाउट सिग्निफिकेंट राइज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बहुत नहीं बढ़ेगा लेकिन वो हीट बहुत सारी एब्सॉर्ब कर ले। बोलो समझ में आया, क्यों वाटर इज अ गुड कूलेंट, बिकॉज इट हैज अ कैपेसिटी टू एब्सॉर्ब लॉट ऑफ हीट, इट हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, प्रोड्यूसेस हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट कैन एब्सॉर्ब लॉट ऑफ हीट विदाउट सिग्निफिकेंट राइज इन टेम्परेचर। बोलो क्लियर हुआ सबको, एवरीबॉडी सॉर्टेड? यस सर। नेक्स्ट, इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इज यूज्ड एज हीट रिजर्वायर for wine, juices, bottles to avoid their freezing. देखो, बहुत cold country है, ठीक है, cold country है, मान लो बच्चों, please ध्यान देना, yes, temperature है 7 degree Celsius, 7 degree Celsius, है ना, और क्या बोल रहा है, juice, कोई juice या wine bottle है यहाँ पे, juice या wine bottle, 7 degree Celsius पे ये wine या juice freeze हो जाएगा, लेकिन water freeze नहीं होगा। water का temperature क्या होगा, अगर atmosphere का temperature 7 है तो बच्चों water का भी 7 है,
वाटर का भी 7 है, बहुत अच्छे है ना। चलो मान लो ये जूस फ्रीज होता है, जूस फ्रीज होता है एट 3 डिग्री सेल्सियस, तो अगर मैं इसको बाहर रख दूं तो जूस फ्रीज हो जाएगा। हाँ जूस फ्रीज हो जाएगा, हाँ करेक्ट। अब क्या करें क्या करें क्या करें, यस मैं इस जूस बॉटल को पानी के अंदर रख देता हूँ, पानी के अंदर रख देता हूँ, बहुत अच्छा। अब क्या होगा अगर टेम्परेचर 6 हो गया, 4 हो गया, यस 5 हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस है ना, तो ये वाटर का टेम्परेचर भी बच्चों 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया तो यहाँ पर भी 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब अगर बाहर 3 डिग्री सेल्सियस हो गया तो इधर टॉप में टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यस लेकिन सॉरी टॉप में 3 हो जाएगा लेकिन नीचे 4 ही रहता है, बिकॉज वाटर एक्सपांड्स है ना, और वाटर एक्सपांड हो जाएगा तो ऊपर जाके बैठेगा। लास्ट ईयर आपने पढ़ा है ये हीट एंड एनर्जी चैप्टर था ना, हीट चैप्टर 6 फिजिक्स में, तो ऊपर का वाटर पूरा फ्रीज हो जाएगा लेकिन नीचे ये बॉटल्स सेफ रहेगा, सेफ राइट। इसलिए और भी होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी ऐसे स्टोर किया जाता है। देखो जरा गिव रीजन, द रीजन इज दैट वाटर ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन इम्पार्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बिफोर रीचिंग टू इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पे रीच होने से पहले वो बहुत सारा हीट एनर्जी दूसरे को दे सकता है, बहुत सारा हीट एनर्जी, तो इस कैन को वो बहुत सारा अपना हीट एनर्जी देगा और उसका टेम्परेचर भी कम नहीं होगा। सी इट कैन इम्पार्ट लार्ज हीट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, यस। इसलिए देखो फार्मर्स इन देयर फील्ड्स यूज वाटर टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स, यस ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव हाई कंटेंट ऑफ वाटर इन देयर बॉडीज, है ना, क्योंकि बच्चों वाटर बॉडी में क्यों होता है ज्यादा बताओ, यस ताकि अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया तो अपने बॉडी के अंदर जो वाटर है मैं उससे हीट ले सकता हूँ, लेकिन वाटर का टेम्परेचर जल्दी जल्दी कम नहीं होगा, बात समझ आ रही है। बाहर का टेम्परेचर तो कम हो गया अब मेरी स्किन ड्राई होने लगेगी, बहुत ड्राई होने लगेगी तो मैं पानी पीऊंगा, यस पानी पीऊंगा तो ज्यादा सुसु जाना पड़ेगा, यस छोड़ दो उस बात को भूल जाओ, तो मैं बहुत पानी पीऊंगा तो बॉडी में जो वाटर है वो मुझे हीट सप्लाई करते रहेगा और उसका टेम्परेचर भी जल्दी कम नहीं होगा, होगा धीरे 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 मेरे स्किन को मेरे बॉडी पार्ट्स को मॉइस्चर प्रोवाइड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। और ये था हाँ सारा गुड रीजन। इसके बाद एक और पॉइंट है, देखो सम एग्जांपल्स ऑफ हाई एंड लो हीट कैपेसिटी, यस द बेस ऑफ कुकिंग पैन इज मेड थिक, देखो तो अगेन गिव रीजन, कुछ भी गिव रीजन आता है, ये है मेरा कुकिंग पैन, ये है मेरा कुकिंग पैन, ये है मेरा कुकिंग पैन, इसका जो बेस है ना वो बहुत थिक बनाते हैं, थिक गिव रीजन। अब थिक इसलिए होता है बच्चों कि देखो अगर ये थिक है तो ज्यादा मास है, ठीक है तो मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो उसका हीट रिटेन करने का कैपेसिटी ज्यादा है, याद है ना क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, वेरी गुड, तो उसका हीट ज्यादा हो जाएगा, हीट ज्यादा स्टोर करेगा वो, और बच्चों अगर हीट ज्यादा स्टोर करेगा तो खाना ज्यादा अच्छे से पकाएगा, तो जो बेस है ना वो ठीक होता है, क्योंकि खाना मेरा यहाँ पड़ा होता है ऐसे उसमें वेजिटेबल्स वगैरह वो अच्छे से कुक हो जाएंगे, सो मोर द मास ज्यादा हीट को रिटेन कर पाएगा। देखो वहां गिव रीजन क्या दिखा है, बाय मेकिंग द बेस ऑफ द कुकिंग पैन थिक इट्स हीट कैपेसिटी बिकम्स लार्ज ड्यू टू विच इट गेट्स हीटेड स्लोली एंड इट इम्पार्ट्स सफिशियंट हीट एनर्जी एट अ स्लो रेट। देखो बच्चों क्या है, Q is equal to mc delta T, specific heat is equal to Q divided by m into delta T, divided by ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, yes m into delta T, yes अगर उसको मैं thick बना देता हूँ तो वो बोल रहा है it will retain more heat, yes
इट बिकम्स लार्ज ड्यू टू विच इट रिटेन्स मोर हीट. यस, और अगर हीट बढ़ेगा, मोर हीट अगर है, मोर हीट अगर है तो स्पेसिफिक हीट बढ़ जाएगा. यस, सो थिक करने से इट कैन रिटेन मोर हीट, इट कैन रिटेन मोर, मोर हीट रिटेन करेगा तो ज्यादा अच्छे से काम होगा. यस, सेकंड, द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक प्रेस इज मेड थिक एंड हेवी. भैया आयरन होता है ना, आयरन, इलेक्ट्रिक प्रेस मतलब आयरन. यस, ये करते हो कपड़े प्रेस करते हो, है ना, तो ये जो प्लेट है आपका, इस प्लेट को थिक बनाया जाता है फॉर द सेम रीजन. इफ इट इज थिक इट विल रिटेन मोर हीट. अगर आप स्विच ऑफ भी कर दोगे तो भी वो बहुत देर तक गर्म रहता है. हाँ, क्योंकि बहुत देर तक गर्म. यस, क्योंकि उसको थिक बनाया है, थिक बनाया तो इट विल रिटेन मोर अमाउंट ऑफ हीट फॉर लॉन्ग टाइम, मोर अमाउंट ऑफ हीट फॉर लॉन्ग टाइम, उसका टेम्परेचर जल्दी कम नहीं होगा. यस, थर्ड, द वेसल यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हीट इज मेड अप ऑफ थिन शीट ऑफ कॉपर. कैलोरीमीटर एक वेसल होता है जिसको हीट मेजर करने के लिए यूज करते हैं. डोंट वरी, वो जो बकेट, याद है बकेट बोला था, इट इज मेड अप ऑफ थिन कॉपर. द रीजन इज दैट स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज लो. बच्चो ये है कैलोरीमीटर. ये जो कॉपर से बनी हुई, ये जो डब्बा है, ये जो डब्बा है थिन कॉपर से बनता है. थिक नहीं, थिन, थिन कॉपर. ठीक है, थिन कॉपर. क्यों? इसका हीट कैपेसिटी लो है. यस, लो हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लो स्पेसिफिक या लो हीट कैपेसिटी. अब लो हीट कैपेसिटी होने से क्या पता है? मान लो आपने इसके अंदर वाटर डाला बच्चों. यस, तो क्या होगा, ये जो कॉपर है ये फटाफट इसमें से हीट अब्सॉर्ब कर लेगा और उसका टेम्परेचर कटाफट बढ़ता जाएगा. देखो, मैंने अगर इसमें 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर डाल दिया तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा. यस, सी इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बकेट, दिस इज माई कैलोरीमीटर, इसका इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर. अब मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है, इक्विलिब्रियम में लाना है चीजों को, तो मैंने इसमें वाटर डाला, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड. अब इसका हीट कैपेसिटी लो है, कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज लो. लो मतलब क्या? लेस हीट एंड फटाफट राइज इन टेम्परेचर, फटाफट राइज इन टेम्परेचर. सो इक्विलिब्रियम विल रीच फास्ट. हाँ कि नहीं? और फटाफट मेरा एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा. यस, मान लो 50-50 पे, 60-60 पे आके इक्विलिब्रियम खटाखट. और देखो इसमें है वॉटर. यस, इसका टेम्परेचर जल्दी कम नहीं होगा. बच्चो वॉटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज वेरी हाई. यस, ये बहुत सारी हीट देगा लेकिन टेम्परेचर कम नहीं होगा. यस, देखो ये इसको हीट देगा, कितनी हीट देगा बच्चों? 4200 जूल. यस, मान लो 1 kg है तो इसका टेम्परेचर होगा 99 डिग्री सेल्सियस. इसका टेम्परेचर हो जाएगा 99 डिग्री सेल्सियस. कॉपर की हीट कैपेसिटी कितनी है बच्चों? गिव मी 1 सेकेंड. ओके, कॉपर 399 जूल को एब्जॉर्ब करेगा ये और इसका टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. बात समझो. 400 पकड़ता हूं बच्चों, इसको 400 पकड़ता हूं. ठीक है, इसका टेम्परेचर जब 1 डिग्री से कम होगा वाटर का, तब इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से राइज हो जाएगा. समझ में आ रहा है. ये है वाटर. वाटर ने कितना हीट लॉस किया? इसने हीट लॉस किया 4200 जूल. और उसका टेम्परेचर 100 से 99 हो गया बच्चों. बहुत अच्छा. वो हीट किसने गेन किया? वो हीट गेन किया कॉपर ने. यस,
कॉपर ने कितना गेन किया 4200 जूल, उसका हीट कैपेसिटी है 400 जूल, यस 420 ले लो अभी के लिए फॉर एग्जांपल, कॉपर का है 420 जूल पर केजी केल्विन, यस तो ये 4200 जूल अब्सॉर्ब करेगा, इसने लूज किया तो ये अब्सॉर्ब करेगा और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा खटाखट, यस तो इसको मैं ऑलरेडी थिन ले रहा हूं क्योंकि इसका हीट कैपेसिटी ऑलरेडी कम है, यस और मैं चाहता हूं बच्चों कि जल्दी जल्दी इक्विलिब्रियम आ जाए, क्या सब बच्चों को समझ में आ रहा है, एवरीबॉडी गाइस कम ऑन एवरीबॉडी, यस सर यस सर, है ना विजुल कितना सो रही है, सोना नहीं इधर ध्यान दो, मत बैठ के सो रही है ना इसलिए लेक्चर मिस नहीं, नहीं सर नहीं तो क्या देखा मैंने, चलो यहां ध्यान दो, यस तो उसका अगर हीट कैपेसिटी में हाई ले लू तो मुझे बेटर रहना पड़ेगा, है ना ये हीट दिए जा रहा है वो हीट ले नहीं रहा है, टेम्परेचर रीच नहीं होगा, मेरा एक्सपेरिमेंट ही खत्म नहीं है, और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर होता है मेरा चैप्टर, यस